राजनीति क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभ्यजनन का प्रणाम करी थे। जैसा कहा थे ना कि साहित्य समाज के दर्पण होते हैं, साहित्य माँ पूरा समाज निहित होते हैं। साहित्य हमका अपना के जिए के तरीका सिखावत है और साहित्य जब अपने भाषा में हो अपने बोली में तो वो बड़ा कंठफ्री लागत है और कहो ना कहो उससे जो प्रेरणा मिली थी वह अलौकिक होती, अद्भुत होती, अति उत्साही होती। और पुराणन में कहा गया है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो अपन जन्मभूमि के जो बोली है, जो भाखा है, वह कहो ना कहो हमका अपना का प्रेरणा देती। तो आज हमारे साथ हैं परम सम्मानी आदरणीय राजकुमार शर्मा जी, राज दादा, और अपना बघेली साहित्य में लगातार उपासना कर रहे हैं, लगातार वहाँ प्रयास कर रहे हैं। अपना के द्वारा एक लिखित साहित्य है और कवि अपना कवि हैं, तो अपना लगातार बड़े मंचन में शुमार होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है एमपी संदेश न्यूज 24 में। प्रणाम दादा। यह शुरुआत कैसा है ये बघेली बोली के, अपने माटी के बोली में साहित्य और कवि के कल्पना कहाँ तक गए? जी पहले हम हिंदी में लिखा रहे हैं, हिंदी में अर्पण एक किताब लिखे हैं। हिंदी से जो पहले के हमार साथी लोग रहे तो यह कहते रहे कि यह तो हाथ कुंडल या छंद, ये सब चीज़ बहुत कुछ लिखा गया है, कुछ ऐसा नवा चीज़ लिखा जाए, उनसे प्रेरित होकर हिंदी में लिखते रहे। एक पहले हम रहे छत्तीसगढ़ में दिखन के हुआ जौन है तो उनका लोक कला लोक साहित्य इतना समृद्ध रहा कि इतना उस सब जीव जान से अपने बोली बानी का मानत रहे हैं कि उनसे लागे कि हम बघेली का ही ऐसा नहीं हो सकती है। उनमें पंडवानी कर माददर यपन थी नाता सुआ गीत राउत नाचा कैयक में के विधा माने बड़े बड़े आर्केस्ट्रा समझ ली 30 साल पहले हुआ होते रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में हूँ हमारे यहाँ जब आई तब बघेली बोली का थोड़ का जनमानस जौन है तो बोले माँ हीनता महसूस करत रहा या पीड़ा हमका भय। तो जब हम आए 2000 सन में तो हमका लाग के हम हूँ अब अपने बघेली के खातिर जऊँ थोड़ बहुत जतनी हमार ऊर्जा हो सलगी हम बघेली में लगा दी या ढंग से कोशिश करके हम फिर बघेली में काम चालू कर दिन हैं और ओखर शुरुआत की हैं। निश्चित तौर पर एक संघर्ष के जो बात होती है वो एक प्रेरणा कौनो एक बड़े काम के प्रति एक प्रेरणा होती, जब प्रेरणा मिला थी तो ये मैं राजकुमार दादा हरियाणस व्यक्तित्व जो है सामने आबत है और बघेली के माटी के ममत्व का ऐसा बढ़ावत है। और आगे के जो बात ही अब हम पूछब कि अभी तक जो अपना के एक साहित्य लिखित साहित्य आवा है वो मातारी माँ एक अपना बहुत बेहतर कविता के तो उनका कुछ हमारे दर्शकन तक पहुँचावे के। जी जी देखिए यह महतारी किताब लिखा गया या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो रहा तो वह क्षेत्रीय बोली के खातिर प्रोत्साहन दी या क्षेत्रीय बोली में का पाठ्यक्रम में शामिल करी पर पर्याप्त तो साहित्य हियाँ जो रहा तो नहीं रहा माने साहित्य के पूर्णता तब ही जब हम खंड काव्य हो, महाकाव्य हो, नाटक हो, एकांकी हो, हर विधा के जब साहित्य उपलब्ध हो तब वह बोली समृद्ध बना थी। तो एक चीज छोड़ का प्रयास करें, पहल किताब हमार भिनसार निकली ओखर कहानी ही असली में 2005 में विंध्य सांस्कृतिक महोत्सव डॉक्टर डीएस राय साहब कमिश्नर रहें तो उनके नेतृत्व में भा तो ओ माँ के हम गाँव में रहबा करी तो हमार जानकारी सब न मिल पावे तो 21 मार्च ओखर लास्ट डेट रहे आ हम पहुँचे आकाशवाणी में थे रिकॉर्डिंग रहे 30 मार्च का आ 4 तारीख से वो कार्यक्रम मतलब 1 तारीख से कार्यक्रम चालू रहे तो यह कहें कि अब तक कार्यक्रम में कौनों मेरे से एंट्री संभव नहीं है। हाँ ये अलग बात ही केहू कि किताब सिताब हो विमोचन उमोचन ओखर हो सकत है तो हमका ला के हमका शामिल तो हो इनका है तो वह 9 दिन में हम थे रात दिना एक कह के और वो भिनसार किताब बघेली में लिखें आ माने 9 अप्रैल का ओखर विमोचन के बघेली के कार्यक्रम रखा रहा है वो कार्यक्रम में तो 9 तारीख का अपना सबके आशीर्वाद से वो किताब छप के आ माने डीएस राय साहब और जो बिंद के तमाम वरिष्ठ साहित्यकारन के कर कमलन से हुआ विमोचित हो गए। यह हम समझें कि माता रानी की बहुत बड़ी हमका कृपा मिली और जब धीरे धीरे वह किताब माने लोगन के चर्चा में आई
और सबके आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, प्रेरणा मिली कि और बघेली में कुछ लिखा जाए। तब फिर उसके बाद बघेली खंड का महतारी के ममता लिखन जी। ये महतारी जो खंड काव्य है कुछ छंद होकर जी वह स्वप्रेरणा ओखर ऐसन भाई महतारी के एक थे ऐसन रूप है जौने का हम देखी थी कि नान का लड़का को सेवा करा थी तो हमारे सूझ तो नहीं आ, पर जब देखी थे तो लागत ऐसे हमारे माता जी का नो ही तब इतना बड़ा भयन है। बिल्कुल बिल्कुल आपको धुंधली धुंधली याद आई तो देखी चाठे डांडियों खर सुनाई थे कि धोबै ना बाबै माता तेल तन लगाबै माता झारी पोछी पाटी पारी ओन्हा पहिराई रही कि धोबै ना बाबै माता तेल तन लगाबै माता झारी पोछी पाटी पारी ओन्हा पहिराई रही और डीठी नहीं लागै जौने हमरे ललन माका आँखी आजी माथे माँ डिठौना है लगाई रही आँखी आजी माथे माँ डिठौना है लगाई रही अबेर बेर मुँह चूमने चुचुआनी माता बेर बेर मुँह चूमने चुचुआनी माता अरे अचरा लुकाबै और दूध पियाई रही अब बहिया झुलाबै हल रावै दुल रावै माता के बहिया झुलाबै हल रावै दुल रावै माता लोरी गाई थपकी दै दै लाला का शोभाई रही लोरी गाई थपकी दै दै लाला का शोभाई रही। यार भावना कितने पुनीत और कितने माने हृदय से वह माना थी आज उन ओखर माने धीरे धीरे रचना जब आगे बढ़ा थी तो समाज में जौन विसंगति आई ही तो ओके ऊपर प्रहार करे के चित्र है। गोस्वामी जी लिखिन कि जिम बालक राखे महतारी अपना के आदेश होते काठे। बिल्कुल 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 स्वागत कि ध्यान रहै सदा लालन माँ भले कौना वो काम करै महतारी आया पुना भले कितनी रहै भूखी पैना लाला का भूखे रखै महतारी अजब गील करै बिस्तर लालना जब ओद करै बिस्तर लालना होइयो दे मा झूरे रखै महतारी अजब दाएं उ बाएं गील करै जब तू न उ कैती ओद करै छपकाई करे जमलेई बिचारी छपकाई करे जमलेई बिचारी। संतान कैसना हो ममता बराबर बल्कि कमजोर वाले में थोड़ का ज्यादा के लंगड़ लूल के बाउर गुंग के आधार सूर के दुर्बल भारी अब भले कितना कुरूप रहै लड़िका कबहू नहीं भेद करै महतारी जौन बरुख कमजोर रहै जौन बरुख कमजोर रहै ओखर ज्यादा ही ध्यान धरै महतारी अयान के लेखे रहै भले धू धूरी आन के लेखे रहै भले धू धूरी पैसोन के लेखे लखै महतारी। महतारी अपन प्राणों समर्पित कर सका थी लड़का के खातिर कौनो आदमी भर के नहीं। अगर गैया और अकरा हाँ और शेर आ जाए तो गैया के ऊपर हमला तब हुई माने रकरा के ऊपर जब गैया को वह हनन कह दे कि आँखी के सौहे जो मारई के होता दौड़ी परै जल दिन हो कारी आ लड़का जो बताबै के मारी सी के होता ओरहन केरी करै तैयारी अन्याऊ करै के कुन्याऊ करै न्याऊ करै के कुन्याऊ करै पैमोही के बसलल नैका निहारी अटंट पाली न कीन है कहूँ के हुसे शैतानी न कीन है कहूँ के हुसे अपने आगे समझावै बिचारी अपने आगे समझावै बिचारी। गमैया परिवेश के अच्छे चित्र देखी लड़का छोट का है पढ़ाई में मन कम लागत है खेले में ज़्यादा लागत है आ खेलते खेलत आवत है स्कूल के डर के मारे अपन बस्ता उठावत है स्कूल चल देता है
बिना खाए चलते था तो महतारी छटपटा जाते कि खेले में लाला भुलान रहें मजा आबे बहुत खेले क्रिकेट वाटी ऐसे कूली के डरिख भुवान भगा जल्दी तेल लगाई सिपारी सिपाटी अबिन खाए भगा और शान बना इसकूली चला जल्दी बस्ता निकारी हम समझ रहे कि डरिख शांति भगा जाता है तो घ्यू चुपरी रोटी लिहे हाथ घ्यू चुपरी रोटी लिहे हाथ रोबती पछी आनी रही महतारी रोबती पछी आनी रही महतारी। ये माँ की ममता अपने पड़ोसी से कहा थे कि आज हमारा लड़का बिना खाए चला गया कि बिन खाए नी दोख भगाई सुकूली के रोटी भलाई अब कैसे भेजाई आ हम हिंजो चले इसकूली जाई छोटुआ रोई को दूध पियाई हमारे भूखी के आँखी पर पूछी लाला के मारे भूखी के आँखी पर पूछी सब खाई ता सुधिया भाई महतारी। आ दोपहर भाई तो महतारी से जब रहा नहीं गा तो भाई दोपहर छोटू का लैकनिया भाई दोपहरी छोटू का लैकनिया लिहे रोटी मदरसा चली महतारी। ये महतारी की ममता अंतिम बंद निवेदित कह रहे हैं कि उन्हें के खातिर ये सब कुछ लिखा गया कहे से के इतनी स्नेह के धार जौन ही जब महतारी बाप का हुआ स्नेह के धार की जरूरत पड़ा थी प्रेम की जरूरत लड़कन से पड़ा थी तो कैक बे वो सूख जाती वह बात कह चाहे थे कि धनहीन अनाथ मजूरी करई तौ लड़कन का पालती है महतारी कि धनहीन अनाथ मजूरी करई तौ लड़कन का पालती है महतारी आ दुनिया के जुलुम ताना सही के निज सुत का बढ़ावती है महतारी ओ तन छीन रहै तौ मागी के भीख तन छीन रहै तौ मागी के भीख लड़कन का ही पालती है महतारी आ दस लड़कन का पालै अकेली अनाथ दस लड़कन का पालै अकेली अनाथ पै दस लड़का ना पालई एकु महतारी दस लड़का ना पालई एकु महतारी। तो समाज का कहा था कि साहित्य समाज के दर्पण होत है जौन विसंगत यावा थी तो कवि के जौन दायित्व का हम यह मानी थे कि जंगल के सुआ चिड़ैन कस कवि हर पात पात में झाँकत है भैरात कहाँ भिनसार कहाँ उस स्वतंत्र प्रकृति में बागत है और जब सांप या हिंसक जीव दिखिन तो चहचहाए सचेत करावत हैं राही सम्हरए कि ना सम्हरए वो अपन फर्ज निभावत हैं यह फर्ज अदायगी के नाव कविता होत है कि कौन चीज़ है आईना दिखाई दे अगर हमारा चेहरा बढ़िया है कौन बातें नहीं अगर कहाँ धूल लगी है कहाँ काजल लगा है वो कहाँ वो आईना में साफ कर ली ये साहित्य के उद्देश्य होते हैं। निश्चित तौर पर यह भावुक कविता और एक कड़ा संदेश के साथ जब कविता अपना के हमारे और ये समाज के दिल में चोट करा थी मस्तिष्क में चोट करा थी तो निश्चित तौर पर हम समाज ये जब सोचत है तब बदलाव आवत है और वह बदलाव के कहाँ न कहाँ पीछे के यदि नींव के बात की जाए तो वह कवि होत है वह समाज के जो दर्पण है वह साहित्य के रूप में जो समाज का प्रेषित करत है। और राजदादा की जैसा या तो एक माँ के एक बहुत भावुक पल का अपना दर्शकन का रूबरू कराएं यदि कहा जाए कि पहले वो अब माँ अपना काफी पहले से ये बघेली के मंच में काम कर रहे हैं आज वो पहले में अंतर कितना देखी थे कि बघेली कुछ का बढ़ी है अपने पायदान में या फिर पीछे आई। आज बहुत बहुत खुशी के दिन हमारे खातिर है ऐसे कि जब लिखे लागे तो लोगन के निगाह में तो 2012-13 में लगभग एक थे केंद्रीय भाषा अनुसंधान केंद्र है एक हैदराबाद में है एक थे कलकत्ता में है तो कलकत्ता से भारत सरकार की टीम आई तो 2000 शब्दन के ओके पास शब्दावली रही और जौने का हमका ऐसे वीडियो ये दोबारा वीडियो बन रहा है उन्होंने ऐसे वीडियो लगा के 2000 शब्दन के शब्दावली हम बघेली में अनुवाद करें तो बनियाई भर पहराए रहे हैं पहन काहे तो कहीं जौने प्रोनाउंसिएशन कैसन होते पूरा चीज़ हमका समझ में आवे तो 5 दिन अनुवाद करें बड़ी खुशी तो यह ला के हम बघेली भाषा के अपने सेवा कर रहे हैं अनुवाद कर रहे हैं। 5 दिन जब समाप्त हो गया कार्यक्रम तो हम जब पूछें कि यह अपना काहे कह रहे हैं तो
तो दिन आंसू निकलिए आए उ कहीं ना आज के 50 साल बाद केंद्र सरकार की यह मानव है कि बघेली भाषा जौन है तो विलुप्त तो हो जाए ऐसे केंद्र सरकार एका संरक्षित कर रही है। पर आज औ दिन में इतना अंतर है अपना सब जन के आ गए से कि अब यह डंके के चोट से कह सकी थे कि बघेली भाषा कबहू विलुप्त तो नहीं हो सके अगर अपना जैसे आई नौजवान पीढ़ी सब चल रही है तो इनका सहयोग रही तो आज यह आगेन का जा रही है आगेन का जाए तो अपना पचन के यह विश्वास दबावे चाहिए थे कि हमारा नौजवान पीढ़ी जौन मिल चुकी है माँ ओ माँ बघेली माँ आज कविता के साथ गजल हो रही हर विधा में लिखा जा रहा है गीत आ रहे हैं ऑडियो वीडियो ये सब चीज़ बन रहा है फिल्म बन रही है ये कौनों भाषा के विकास के संकेत आए ऐसे बड़ा सुकून मिला था। आज बघेली बोली के पायदान धीरे धीरे बढ़ रहा है आ यह विश्वास के साथ कह सकी थे कि 10 साल के अंदर हमार सांसद बघेली में शपथ ले सकी हैं कौनों बिटिया बघेली बोले के आरोप लगा के शादी तोड़ दे ऐसा घटना अब न हो ही कहे से कि अपना सब जने जुड़ चुके हैं। निश्चित तौर पर यह एक बोली भाषा की समृद्धता के बात यदि कही जाए तो यह समृद्धता है कि जब ओमा एक बड़े स्तर में काम हो लगे फिल्म बने लाग अपना न्यूज़ चैनल का कहा कहा कि न्यूज़ जैसा बघेली में शुरू है अपने देखा तो एमपी संदेश जी न्यूज़ तो एक ही खातिर तो हम हृदय से कोटि कोटि अपना का बधाई शुभकामना दुआ दे थे अपना वह मिल के पत्थर वाला काम करन है कि जौने से सुना देखा सब चाहत है करे के नहीं चाहता है तो अपना कई के हमारे सपनन का पूर करन है पूरे विंध्य प्रदेश के वासियन के जौन अंदर में एक कसक दबी रही कि हमारे बघेली में न्यूज़ चैनल काहे नहीं आए तो या एमपी न्यूज़ संदेश के द्वारा अपना जौन या भागीरथ प्रयास करन हो के खातिर बहुत बधाई दी थे। हमार छोट का प्रयास यह चला कि हम सोचन ओ दिना के बाद जब उनका यह कहें कि यह विलुप्त हो जाए तो हम कहें कि यह पौधरोपण हम नवा लड़कन में करी नौजवानन में अगर नौजवान पीढ़ी में यह बघेली सकाए गए तो यह बहुत ऊँचाई तक ले जाइए इनका बघेली के ज़िंदगी और लंबी हो जाए जब तक ही रही तब तक काम करी तो ये सब जो कलाकार लोग हैं कवि लोग हैं इमा रुचि लिहन आ आज फेसबुक में देखी मीडिया में सोशल मीडिया में देखी टीवी में देखी हर जगह बघेली बड़े गर्व के साथ बोली जाती सुनी जाती ओम निश्चित रूप से ये जो अपना के माने ये काम है ये बहुत प्रशंसनीय है और बहुत बहुत बधाई दी थे। धन्यवाद दादा और अपना का बता दी कि यह विंध्य प्रदेश के जो गठन भा जी ओके चलते का दादा कुछ ऐसा भा कि बघेली कहो न कहो कमजोर भे विंध्य प्रदेश के जो मतलब टूटा भा जी 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 मध्य प्रदेश के जी 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 विलयन जो रहा जी 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 कि ओमा विलय कई दिन का मध्य प्रदेश का विंध्य प्रदेश का तो ऐसे का बघेली अपन कुछ दबी का बिल्कुल दब गए ऐसा है कि जैसे मान ली छत्तीसगढ़ में एक नारा लगा रहा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और अपने बोली के दम पर अपने राज्य के निर्माण कर लेकिन आज जब हमारे विंध्य प्रदेश के जौने की राजधानी रीवा रही और संविलियन मध्य प्रदेश में होगा तो बड़ी लंबी बहस भई रही और उमा सदन में माननीय हमार श्रीनिवास तिवारी जी उस समय भाषण दिन तय तो कहीं कि विंध्य प्रदेश की हत्या तो कई दिन गए पर एक लाश कहाँ माने दफनाई हुआ कीन जाए प्रवाहित कीन जाए नर्मदा माँ के गंगा जी माँ संकेत या कि उत्तर प्रदेश में मिला हुआ जाए के मध्य प्रदेश में तो बहुत ओके खातिर संग्राम भे रहे और गंगा अजीत चिंताली वहीं विंध्य प्रदेश के संविलियन के विरोध में शहीद भे रहे। अगर हमारे यह विंध्य प्रदेश बना होत तो विंध्य के पूरी तकदीर और तस्वीर आज दूसर होत और ओके साथ ही साथ बघेली जौन ही कि आज बिल्कुल अठवें सूची में स्थान पावत सम्मान पावत और आगे चल के जौन हमारे केंद्र के बोली हैं उनमें शुमार हो जात तो वह एक हमार समझ ली कि विंध्य प्रदेश के जो संविलियन था तो विंध्य के खातिर कहाँ हुआ लाभदायी नहीं रहा। निश्चित तौर पर यह बोली के दर्द आए अपना पचे कहे कि साधना करे हैं वह बघेली के साधना करे हैं वह भाखा के साधना करे हैं जो महतारी के मुँह से पहल शब्द काने माँ वह बाल्यावस्था में जात है तो वह बोली के साधना करी नहीं किंतु आज ठीक है हालात जो हो रहे का कैसा राजनीतिक षडयंत्र कीनगा कि विंध्य प्रदेश विलय हो गया मध्य प्रदेश में किंतु अपन विंध्य प्रदेश जबकि इतना समृद्ध होए के बाद हो आज स्थिति यह है कि अर्ध विकसित
जिला सबसे ज़्यादा यदि देखे का मिली ही तो अपना का विंध्य प्रदेश में देखे का मिली ही, विंध्य के जिलन में देखे का मिली ही, जहाँ आज रोजगार से लोग जूझ रहे हैं, जहाँ अपने बोली के प्रति भाव से लोग जूझ रहे हैं, यहाँ के सामाजिक चेतना से जूझ रहे हैं, यहाँ के युवा आज नशा के दलदल में घुस रहे हैं, काहे कि उनके पास आज काम नहीं है। हमारे पास इंतजाम सब हैं, खनिज सब संपदा है, पर्यावरण भरपूर है, सारे इंतजाम हैं, किंतु मध्य प्रदेश में विलय के चलते हालात यह है कि हम संपन्नता से विपन्नता की ओर चले गए, किंतु अब प्रयास है, अपना वचन के आशीर्वाद है, ता अब बघेल की एक पीढ़ी या बघेली के कहो न कहो अपना वचन के आशीर्वाद पाए के आगे बढ़ेगा और भाषण माँ और बोलिन माँ उनकर कहा जाए कि प्रतिनिधित्व करे का अब बहुत जल्द तैयार हुई। यह आशा के साथ दादा प्रणाम अपना का अपना के सानिध्य मिला और बहुत भावुक कविता महतारी जो सुने के मिली अपना का बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम।